फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करते हैं। जब भी आप आपके फ्रेंड को ऑडियो कॉल करते हैं और उसके बाद उसकी आवाज सुनने के लिए आप आपके मोबाइल को ईयरफोन लगाते हैं, तो आपके मोबाइल के ईयरफोन्स में आवाज नहीं आती। लेकिन वही ईयरफोन्स अगर आप यूट्यूब पर कनेक्ट किए हो या म्यूजिक प्लेयर को कनेक्ट किए हो तो आवाज आ जाती है। इसका मतलब आपका ईयरफोन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही हम प्रॉब्लम आवाज फिक्स करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे टेक्नोलॉजी के वीडियो में लाता रहूं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपके एप्स में जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मैनेजर, उसके अंदर जो भी आपका व्हाट्सएप होगा उसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन में जाना होगा। परमिशन में जाने के बाद यहाँ पर जो माइक्रोफोन है वो अगर बंद होगा पहले से तो उसको ऑन करना है, ताकि आप जब भी फ्रेंड को ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करें और माइक्रोफोन लगाए तो आपका आवाज आ सके। इस परमिशन को आपको ऑन करना है। अगर इसको ऑफ करोगे तो आपके माइक्रोफोन में आवाज नहीं आएगी। उसके बाद ये टेलीफोन है, उसको भी आपको ऑन करना है। मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर कैमरा, कॉन्टेक्ट लोकेशन, जितने भी परमिशन है उसको आप सारे के सारे ऑन कर दो। उसके बाद आप जब भी आपके फ्रेंड को कॉल करोगे तो डेफिनेटली आपके ईयरफोन्स में आवाज आ जाएगी वीडियो या ऑडियो कॉल की। अभी मैं आपको सेकंड सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपके ईयरफोन्स में आवाज क्यों नहीं आती। फ्रेंड्स मैंने 2 साल पहले सोनी MDR के ईयरफोन्स लिए थे। उसकी कीमत 1500 रुपीज़ है, मतलब कि 1500 के ऊपर भी है। 2 साल तक वो अच्छे चले। उसके जरिए मैं व्हाट्सएप पर वीडियो ऑडियो कॉल करता था, उसका आवाज मुझे अच्छे से सुनाई देता था, सामने वाले का आवाज आता था और मेरा आवाज उसके पास नहीं जाता था। लेकिन वही सेम ईयरफोन से मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ या म्यूजिक प्लेयर में गाने या म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे अच्छे से आवाज आ जाती है। लेकिन वही ईयरफोन के साथ में व्हाट्सएप के जरिए वीडियो ऑडियो कॉल करता हूँ तो उसकी आवाज नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इसका कारण यही है कि जब भी आप ईयरफोन्स, आपके पास जो ईयरफोन्स है, आप उसको कहीं भी फेंक देते हो, कैसे भी उसको लपेट के रखते हो, तो जब भी आप कहाँ पर भी फेंक देते हो तो उसके अंदर जो तार रहती है, मतलब छोटे छोटे वायर्स रहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। इसके वजह से आप व्हाट्सएप पर वीडियो ऑडियो कॉल करते हो तो उसके अंदर आवाज नहीं आ पाती। बस फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट जरूर करना, या मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।